तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका मिस्टर वाज। तो आज हम ऐसे के कृष्ण की तरफ से आपको दिखाने वाले हैं टेलरिंग के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से उसकी कटिंग होती है और किस तरह से उसकी फिटिंग यानी कि स्टिचिंग होती है, तो और उसमें कपड़े की ज़रूरत कितनी होती है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिल सके। तो ज़रा सी बात कर ली जाए टिकटॉक की, तो टिकटॉक इंडिया में पूरी तरह से बैन हो चुका है। और चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 मीटर कपड़े की, फिर हमें उस पर आयरन करना है, और आयरन जब तक करना है जब तक वो बिल्कुल अच्छा ना हो जाए, क्योंकि आयरन करने से कटिंग में आसानी हो जाती है। ओके, स्केल से फिर नीचे में एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। ओके, फिर स्ट्रेट मार्क करने के बाद में ब्लाउज़ की हाइट कितनी है वो ब्लाउज़ में माप के, ओके, ये हाइट का निशान हो गया और ये राउंडिंग का हो गया, आर्म होल राउंडिंग। फिर चेस्ट पे निशान लगाएंगे, फिर ये ऊपर शोल्डर का हो गया, फिर ये वेस्ट का हो गया, 1 इंच मार्जिन होता है और 2 इंच मार्जिन, 1 इंच डॉट, फिर ये चेस्ट का हो गया। ओके, ये फिर चेस्ट एंड वेस्ट मिला देंगे 2 इंच मार्जिन रख के। ओके, फिर इस ब्लाउज़ का नेक किस तरह का है वो इस तरह से, सबसे इजी तरीका है नेक को कॉपी करने का, ये देखिए, ये रख लिया मैंने, अब ये मार्किंग से मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, ये देखिए, ये कॉपी हो गया, नेक कॉपी हो गया, कोई परेशानी नहीं, आप किसी भी तरह का नेक कॉपी कर सकते हैं। फिर हल्का सा राउंड करके, ओके, ये डॉट्स है, बैक डॉट्स रहती हैं। ओके, फिर आर्म होल की राउंडिंग चेक करेंगे ब्लाउज़ में, ये देखिए 7 इंच, ओके, ये 7.5, ओके, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर डाउन करेंगे। ओके, फिर ये कट करेंगे, ये याद रखें बैक का राउंड ज़्यादा नहीं करेंगे जी। ये देखिए 2 इंच मार्जिन लेके ये कट कर दिया। ओके, ऊपर नेक के निशान लगाएंगे, फिर चेस्ट पे लगाएंगे और फिर ये डॉट्स के लिए कट मारेंगे, फिर ये स्टिचिंग यहाँ से होनी, फिर ये हो गया, ये बैक हो गई, अब फ्रंट की ओर चलते हैं। ओके, ये देखिए जैसे हमने आयरन कर ली, फिर आयरन करने के बाद में इस पर बैक रखेंगे, ये देखिए ये बैक उठाई मैंने और ये रख दी, ठीक है। अब देखिए ऊपर से, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से कट करेंगे, ये देखिए बराबर हो गया, फिर नेक का जो मार्किंग है उस पर मारेंगे, फिर ऊपर से 4 इंचेस पे मार्किंग निशान करेंगे, प्रिंसेस कट इस तरह से कटते हैं। ये देखिए हाइट नापेंगे, फिर ब्लाउज़ की फ्रंट हाइट कितनी देख के, ये देखिए ये जो फ्रंट हाइट रहती है ये बैक हाइट से बड़ी रहती है, 2 इंच मैक्सिमम बड़ी रहती है, फिर ये स्ट्रेट राउंड करेंगे 3 इंच से, ये देखिए मार्किंग करेंगे इस तरह से, ये हो गई। ओके, अब नीचे से उसको नाप के, ये देखिए नाप लिया, ये डॉट्स के निशान हो गए, ये फ्रंट डॉट्स रहती प्रिंसेस कट में आती है, ये देखिए अब कट करेंगे, ऊपर से 4 इंचेस कट की मैंने, कट करने के बाद नीचे से कट करेंगे, अब ये बैक पल्ले को हटा के अब ये राउंड कट करेंगे जैसे मैंने मार्किंग करी है, ये देखिए हो गया। ओके, अब नेक के लिए उठाएंगे फ्रंट, सबसे इजी तरीका है कॉपी करने का, कोई परेशानी नहीं, आप कैसा भी नेक है उसको अच्छे से सेंटर से फोल्ड करके आप कोई भी नेक कॉपी कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका है। अभी तक किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई भी फॉल्ट नहीं हो सकता इसमें, ये देखिए कॉपी कर लिया मैंने, ये जो नीचे 2 इंच बढ़ रहा है इसमें डॉट्स आनी है, ये देखिए जो सेंटर डॉट्स है इसके लिए मार्किंग कर ली मैंने। ओके, ये देखिए ये फ्रंट हो गया, अब पैच कट करने, साइड पैच जो होते हैं प्रिंसेस कट के, ये वाले इधर के जो होते हैं। ओके, अब बैक उठा के उसको रखेंगे, बिकॉज बैक में जो पैच है उसका मार्किंग हो चुका होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ से राउंड कट करेंगे। और एक चीज़ याद रखें, फ्रंट बैक के अकॉर्डिंग ज़्यादा राउंड रहता है, ओके, डीप ज़्यादा रहता है उसका राउंडिंग, ये देखिए कट करा। ओके, ये ऊपर से हो गया, अभी उसको मापेंगे, बराबर रहना ये साइड का। ओके, ये डॉट्स का निशान है, स्टिचिंग का निशान है, अभी सीधा मार्किंग करेंगे राउंड जो आया पैच का, ये देखिए ये हो गया, अब उसको कट करके, और मापना ज़रूरी है क्योंकि जो फ्रंट का है विदाउट पैच वाला वो 3 इंचेस रहता है, इसका जैसे 28 है वेस्ट तो 7 इंच आना, 3.5 हो गया, और 5.5 इधर का लेके 7 हो गया,
ओके ये देखिए, अब इसको मार्किंग से राउंड कर लेंगे। ये राउंड कर लिया जी। ये खास कर ध्यान रखना, ये देखिए राउंड करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है चेस्ट पे, बिकॉज़ पहनने में कंफर्टेबल होना, ज़्यादा टाइट रखे तो पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। ओके ये देखिए, अब फ्रंट को थोड़ा सा डीप करना है। फ्रंट आर्मोल जो रहता है वो थोड़ा डीप करना है। ये देखिए ये हो गया, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करे तो फिटिंग अच्छा नहीं आता। ये देखिए ये फ्रंट डीप हो गया। ओके अब इसको मापना है, थोड़ा सा इसको भी अंदर कर लेते हैं। ओके ये देखिए हो गया। ओके अब इसको मापना ज़रूरी है, बिकॉज़ मापेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा छोटा बड़ा है क्या। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये फिटिंग में हम कवर कर लेंगे, या तो नीचे से कट कर देते हैं। ये देखिए हो गया कट। ओके ये हो गया फ्रंट हो गया। अब जो मार्किंग करी थी नेक की उसको भी कट कर लेते हैं। हो गया। ओके ये देखिए फ्रंट का नेक भी हो गया जी। ओके ये फ्रंट हो गया। अब बैक को उठा के उसके बैक के नेक को कट करेंगे जो मैंने मार्किंग करी थी। ये देखिए जी, ये देखिए फ्रंट है जो उसका कटिंग का पीस है उससे कट कर लेंगे। ये देखिए अब नीचे का जो डायमंड शेप नेक है उसको कट करेंगे। ये देखिए ये इजी, अभी नेक छोटा रहेगा बिकॉज बनाने में मार्जिन लेके नेक खुद बड़ा हो जाएगा जी। पहले छोटा कट करना है, अगर पहले आप बराबर का कट करेंगे तो मार्जिन के साथ वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह उसको छोटा कट करना है। ये देखिए ओके ये पहले छोटा कट करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ मार्जिन लेने के बाद में वो खुद बड़ा हो जाता है जी। आप अगर पहले बराबर का कट कर देंगे तो मार्जिन के बाद और बड़ा हो। ओके अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का कपड़ा कम होने की वजह से हमेशा याद रखें, स्लीव्स में जो जॉइंट आता है वो बैक में आना चाहिए, फ्रंट में नहीं आना चाहिए। फ्रंट में जॉइंट आने से बेकार हो जाता है। ओके आयरन करने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करा। ओके ये आयरन कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद में आर्म मोल्ड एक बार फिर से अगेन नापेंगे। 7 है ये देखिए हो गया। ओके अब ऊपर से राउंड करेंगे थोड़ा, वो 3 इंचेस का जो उतारा था। ओके ये देखिए राउंड करेंगे, ये हो गया। अब इधर मार्जिन का हो गया। ओके ये डाउन बीच का सेंटर है कुट का, और ये साइड का है, ये ऊपर का हो गया। अब हल्का सा इसको राउंड, फ्रंट है तो फ्रंट में राउंड करना है, स्लीव्स फ्रंट में राउंड, क्योंकि फ्रंट भी हमने थोड़ा डीप करा था ना। ओके ये देखिए ये हो गया, डॉट्स लगाएंगे। फिर उसके बाद में ये देखिए, अब जो ये इधर का है इसको जॉइंट इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इधर से रख के, इधर से नीचे से कट करके, अब इसको देखिए ये करने के बाद में, अब इसको पलट के, अब इधर से इसके जो फ्रंट का पल्ला है उसके बराबर से कट कर लेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए अभी इसको बराबर से कट करने के बाद में निशान मारेंगे जी। ये देखिए अब स्लीव्स भी हो गए। अब मेन पल्ला कट करते हैं, जो ब्लाउज है मेन ब्लाउज, अभी लाइनिंग था मेन ब्लाउज। पहले बॉर्डर ज़रूर नाप लें, बराबर है तो रख सकते हैं, स्लीव्स ऐसे भी कट कर सकते हैं। पहले पूरा ब्लाउज रख के चेक करेंगे कहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे मत कट करिएगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए ये स्लीव्स मैंने रख ली, अब मैं बैक रखूँगा, ये बैक है। ओके अब फ्रंट रखूँगा, ये प्रिंस कट का फ्रंट है। अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको, हाँ ऐसा रखेंगे, इसको भी बिठाना है, इसको वैसे ही रखेंगे जैसे रखा था ये। ओके अब फ्रंट का जो पैच है उसको रखेंगे, ये है देखिए ये। अब एक बार उसको पूरा चेक कर लेना कहाँ पे क्या है, तो ज़्यादा आसानी रहेगी कट करने में। स्लीव्स कट करेंगे, ये देखिए ये स्लीव्स हो गई। ओके फोल्ड कर लेंगे। अब बैक कट करेंगे, ये देखिए ये नेक के पास थोड़ा सा अंदर कट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको मैंने बैक को कट नहीं करा है, मेन को वो स्टिचिंग में कट करूँगा, आप देखते रहिए। ये फ्रंट कट करेंगे। ओके ये हो गया। अब ये पैच कट करेंगे, ये देखिए। ओके अब स्टिचिंग में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं स्टिचिंग करूँगा। ओके चलिए देखते हैं। ओके गाइज तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बॉबिन भरनी है, याद रखें बॉबिन सही भरनी तभी मशीन सही चलेगी। फिर बॉबिन लगाएंगे, धागा डालेंगे, याद रखें कोई भी मशीन में अगर धागा सही नहीं है तो स्टिचिंग सही नहीं आएगी, तो इसका खास ध्यान रखें।
और अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीव्स स्टिचिंग करेंगे, यानी कि आस्तीन, उसका जो जॉइंट मैंने बैक में काटा था वो जॉइंट पहले करेंगे। और याद रखें अपोजिट ही सिलना है, अपोजिट जब सिलेंगे जब ही बेहतर आएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। फिर इसको बॉर्डर के किनारे से वन बूट की सिलाई लगा के उसको पलटी करेंगे जी। ये देखिए इस तरह से आपको स्ट्रेट सिलाई मारनी, बिल्कुल कहीं पे कोई भी गलती इसमें नहीं चल सकती है, नहीं तो आप स्लीव्स अच्छी नहीं पाएंगे, बेकार हो जाएगी। ये देखिए, और या ख़ास ध्यान रखें कि हमें जो स्लीव्स बनानी है वो अपोजिट बनानी है। ये देखिए बिल्कुल अपोजिट बनानी है। ये देखिए सिलाई मारने के बाद बहुत धागा काट रही है। फिर मैं अंदर से एक बूट की सिलाई मारेंगे बहुत धीरे धीरे आराम से ऐसे। ये देखिए ये सिलाई मारने से जो लाइनिंग है वो बाहर नहीं आएगी अब। ये देखिए ओके, इसको रब करके ये देखिए, अब इसके ऑल अराउंड स्टिचिंग मारनी बिल्कुल किनारे पे। ये देखिए ये इस तरह से, और ले जाके ये देखिए ये हो गई ओके। अब सेकंड वन उठाएंगे, अब उसमें भी सेम वैसे ही स्टिचिंग मारेंगे जैसे इस स्लीव्स में मारी थी, बिल्कुल किनारे से अच्छी। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से ओके, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गई ओके। अब इसको बराबर से पूरा कट करेंगे, पूरा सही स्टिचिंग मशीन नहीं दे रही सही, इसको बराबर से कट करना है। ये वो ख़ास ध्यान रखें कि लाइनिंग को ज़रा भी कट नहीं करना है, बिकॉज़ लाइनिंग परफेक्ट कट होती है तो उसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है ओके। ये देखिए लाइनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करना, अगर लाइनिंग कट करेंगे तो उससे ब्लाउज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिटिंग इशू हो सकता है ओके। बिल्कुल बराबर से कट करनी है। ये देखिए ये अपोजिट हो गई, अब बैक उठाएंगे हम। ये देखिए बैक है, इसको बीच से इंटर कट करेंगे जो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में। ये देखिए अब इसको भी अपोजिट रखना ही है जी, ये बैक है, अब इसको भी वैसे ही अपोजिट रखेंगे जैसे स्लीव्स रखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक पे पूरी स्टिचिंग डालनी है, ये देखिए बोट पे, फिर अब डायमंड पे आ चुके हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी बिल्कुल बारीक किनारे ही सिलाई लगानी है। ख़ास ध्यान रखें लाइनिंग पे आप जितनी किनारे सिलाई लगाएंगे उतना ही बेहतर ब्लाउज़ बनेगा। ये देखिए इस तरह से पूरी ऑलराउंड सिलाई मारनी, इसको भी जैसे उसको रखा था वैसे ही अपोजिट इसको रखना है। ये देखिए सेम वैसे ही करेंगे हम। ये देखिए डायमंड पे फर्स्ट है, फिर अब ऊपर बोट पे आ गए। ये देखिए ऊपर, अब ये आर्म होल्ड पे राउंड करेंगे स्टिचिंग बिल्कुल किनारे लगा के जी। ये देखते रहिए, ये देखिए ओके। अब इसको बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे, जो मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करेंगे। ख़ास ध्यान रखें लाइनिंग को आपको टच नहीं करना है, अगर लाइनिंग आप टच करेंगे तो मेरे ख्याल से ब्लाउज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिटिंग इशू हो जाएगा, और ये 100% होना ही होना है। ये देखिए इस तरह से पूरा कट कर लेंगे, ये देखिए ये इस तरह से कट कर लेंगे जी। देखते रहिए ये हो गया। अब जो बीच में सेंटर डॉट थी 1 इंच एक्स्ट्रा कट करा था उसके डॉट्स डालेंगे, फिटिंग के लिए होती है डॉट्स। ये देखिए इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब इसको नाप के जी, इसका नाप के बैक की जो पट्टी है उसको निकालेंगे। ये देखिए 1 इंच 1.5 इंच इसको कट करना है जी। अब नाप के इसको वन साइड फोल्ड करके जी इस तरह से लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल किनारे फोल्ड करनी है। अब इसको उसमें लगा के अंदर की तरफ पलट देना है। ये देखिए अपोजिट ही लगानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट अपोजिट भी लगा सकते हैं। आपको मेजर हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मेजर करनी है आपको, ये ख़ास ध्यान रखें आप। ये देखिए इस तरह से पूरी कर देंगे, एक हल्की सी अंदर की सिलाई मार के उसको भी अंदर टर्न कर देंगे। ये देखिए टर्नट कर देंगे, कच्ची सिलाई मारनी है बड़ी, ताकि आप इसमें जब हेविंग करवा के तुरपाई करवाएं तो ये स्टिचिंग आप निकाल सकें। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम काज पट्टी बनाएंगे जिस पे हुक्स लगते हैं।
ये देखिए, अब मेन क्लॉथ के साथ इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। ये इसके ऊपर हाई बनती है, हाई होती है। ये देखिए इसको एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब बाहर के साइड में इसको पलट के पूरा फोल्ड करेंगे। ये देखिए हो गया। ये देखिए बढ़ा के 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है नीचे, ताकि सही से फोल्ड कर सकें। ये सब चीज़ें आपको छोटी सी छोटी चीज़ें बड़ी ख़ास ध्यान रखनी है। ये इस तरह से आपको करना है। ये देखिए धागा बहुत ज़्यादा मशीन कट कर रही है, बिकॉज़ काफ़ी दिन के बाद मैं चला रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से करना है, और इसको एक्स्ट्रा थोड़ा काटें, ज़्यादा नीचे मत काटें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब ये मेजर करके अब इसमें हुक्स लगेंगे, वो पट्टी बनानी है। वन साइड फोल्ड करके इसको बराबर से कट करके इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे, फिर एक सिलाई मार के ऊपर से इस तरह से जी। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके एक जी, ये देखिए फ्रंट में आ गए। फ्रंट को पूरी तरह से फोल्ड कर लेंगे, स्टिचिंग इसके साइड साइड स्टिचिंग डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी स्टिचिंग डाल लेंगे। ये देखिए पूरी स्टिचिंग डालेंगे, और जितनी किनारे आप सिलाई लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी सिलाई आएगी, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये देखिए इसको बराबर से कट कर लेना, बिल्कुल लाइनिंग को ज़रा भी टच नहीं करना पूरे ब्लाउज़ में आपको। ये देखिए बराबर से कट कर लेना, बिल्कुल आसानी से, कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये देखिए हो गया। अब वो पैच उठाएंगे, पैच ये हैं, इसको भी वैसे ही अपोजिट तैयार करना है जैसे हम पूरे ब्लाउज़ को करते चले आ रहे हैं। उसके भी बिल्कुल साइड में स्टिचिंग डालनी है, बिल्कुल किनारे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको उठाएंगे जी। अब उसको भी बिल्कुल वैसे ही अपोजिट रखना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल किनारे सिलाई लगानी है आपको। ये देखिए, ये देखिए वैसे ही आराम से कट करना है, लाइनिंग टच बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप थोड़ा टच करेंगे तो बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये देखिए ये मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, आज तक किसी ने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ इस तरह से नहीं बनाया होगा, ना ही आपको समझाएगा। अब इसको सेम पैच वैसे ही लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखते रहिए जी। ये देखिए बिल्कुल बराबर ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मेजर करके स्टिचिंग करें आप। अब सेकेंड वन उठाएंगे, उसको भी इसी तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही करना है पूरा। ओके जी, ये देखिए हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं, ये देखिए डॉट्स डालेंगे, फ्रंट डॉट्स जो एक्स्ट्रा करा था हमने 2 इंच। ये देखिए ये फिटिंग के लिए रहती है, इसे फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए डॉट हो गई। ये देखिए ओके, मेजर कर लेना है आपका। अब इसके लिए भी फ्रंट की जो पट्टी लगाई थी हमने बैक में, उसमें इसको भी लगाना है। अब इसको भी लाइनिंग कट करेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट। लाइनिंग कट करने के बाद में 1.5 इंच की एक प्यारी सी पट्टी कट करके उसको वन साइड फोल्ड करेंगे। देखते रहिए, ये देखिए मेजर करके। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, बहुत साइड में स्टिच डालेंगे। ये देखिए अब इसको सेम वैसे ही रखेंगे जैसे बैक में रखा था, स्टिचिंग डालेंगे। ये देखिए अब इसमें प्यारी सी सिलाई मार के ऐसे ही, एक बार चेक ज़रूर करते रहिए किस तरह का आप काम कर रहे हैं। ये देखिए अब इसमें भी वही बड़ी स्टिचिंग डालनी है, जिसको हम हेविंग के बाद में हटा सकें। आप खास ध्यान रखिए इस चीज़ का। कुछ लोग इसमें हेविंग नहीं करके सिलाई लगा देते हैं, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है, हम उसमें हेविंग करते हैं। बिकॉज़ फ्रंट चीज़ ज़्यादा दिखती है, इस वजह उसमें कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करते हम। आप बैक जॉइंट करेंगे, ये देखिए बैक जॉइंट कर लिया। ये देखिए डबल सिलाई डालनी है। ओके अब हम स्लीव्स उठाएंगे। अब हम स्लीव्स हमेशा याद रखें, स्लीव्स सेंटर बीच सेंटर से चलाएं, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें।
बीच से ही चढ़ाएं, आप साइड वाइड से मत चढ़ाएं, नहीं तो प्रॉब्लम आपको कंपलसरी होगी, क्योंकि साइड से सही नहीं आती है स्लीव्स, एक तरफ कम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आप सेंटर से चढ़ाएं, बहुत आराम रहेगी आपको काम में। ये देखिए मशीन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, लग रहा है दिखाना पड़ेगा। अब इस पर डबल सिलाई करेंगे इस तरह से, ये देखिए हो गई। अब दूसरी वाली स्लीव्स उठाएंगे, सेंटर से ही चढ़ाएं, याद रखें। ये देखिए सेंटर हो गया, अब इसको सेंटर जॉइंट करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए ये हो गई। अब सेकंड साइड करेंगे, ये देखिए ये हो गई। अब इस पे मशीन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अब इस पर डबल स्टिच करेंगे, ये देखिए। ओके, अब ये जो क्लॉथ है ये पाइपिंग क्लॉथ है, और इसको आप याद रखें क्रॉस कटिंग करें, और मैं आपको एक पाइपिंग पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप देखिएगा किस तरह से और कितनी सॉफ्ट पाइपिंग बनाते हैं हम। ये देखिए नीटनेस काम में ज़्यादा दिखेगी आपको हमारे। ये देखिए क्रॉस पट्टी कट करें 1.5 एंड 2 इंच की, उसको कट करने के बाद में ज्वाइंट कर लें, क्रॉस में ज्वाइंट कर लें इस तरह से, ये हो गई। अब हम पाइपिंग उठाएंगे, पाइपिंग धागा, ये देखिए अब इसके अंदर डालेंगे जिस तरह से मैं पाइपिंग बनाता हूँ, शायद ही कोई बनाता होगा। ये देखिए इसके अंदर धागा भी है और कपड़ा भी है, दोनों एक साथ फोल्ड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, मैं इस पर भी एक वीडियोस बनाऊंगा, आप देखिएगा किस तरह से हम बनाते हैं जी, देखते रहिए आप। ये देखिए ये देखते रहिए आप, ये हो गया। अब इसको वन साइड से फोल्ड करना है, अभी बिल्कुल कट वट मत करना, आपको जितना मार्जिन रखना है उतना आप फोल्ड कर सकते हैं उसको। ये देखिए बिल्कुल किनारे आपको स्टिचिंग लगानी है, इसमें स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपको अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे ही कर, बिल्कुल जो मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है पाइपिंग के बाहर उसको कट कर दें इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट कट करें। और याद रखें ज़्यादा मार्जिन ना रखें, नहीं तो पाइपिंग के बाहर दिख सकता है, जिससे आपका काम में ग्लिच आ सकता है, बेकार दिख सकता है आपका काम। इस तरह से स्ट्रेट कट कर लें, ये देखिए ये हो गया। ओके, अब पाइपिंग को उठा के नेक में ज्वाइंट करते हैं, बैक से ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए। ओके, अब पॉइंट पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, पॉइंट जहाँ पर है इस तरह से इसको लगा के पक्का करना है, पॉइंट पे कट आपको ज़रूर करना है। ये देखिए ये हो गया, ये पॉइंट पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, अगर पॉइंट पे आप सही नहीं करेंगे तो आपकी पाइपिंग सही नहीं आएगी, पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा जी इस तरह से। और 1 बूट का ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन ना लें, नहीं तो आपको नीटनेस इतनी नहीं आएगी, 1 बूट का मार्जिन लें ताकि स्टिचिंग भी अच्छी दिखे। ये देखिए इस तरह से ला के डायमंड शेप के पास रोक के पॉइंट बिल्कुल अच्छा बनाना है, बिकॉज नेक में पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है। ये देखिए ये इसको अंदर मार्जिन को फोल्ड करके इजी करें, कोई परेशानी नहीं है, आप धीरे से करें अच्छा करें। ये हो गया देखिए, नेक की पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो गई। अब ब्लाउज़ का वेस्ट कितना है उस हिसाब से 4 अराउंड में मार्किंग करनी है आपको, इसके 4 पल्ले रहते हैं, तो आपको जैसे 28 है तो 7 × 4 28 उस तरह से आपको निशान लगाने हैं 7 इंचेस के चारों तरफ इस तरह से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब साइड भी ब्लाउज़ में साइड भी बहुत मैटर करता है,
होंगे देखिए, और बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं, कोई भी क्रॉस मत करें, कोई भी ज़रा सा भी क्रॉस मत करें, नहीं तो ब्लाउज़ का लुक जो होता है वो थोड़ा सा गंदा हो सकता है। फिटिंग इशू तो कंपलसरी होंगे, पर आप इस तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, और मैक्सिमम एक ब्लाउज़ को 3 स्टिचेस ज़रूर डालें। अगर किसी को बाय द वे किसी को लूज़ करना है तो वो ईज़िली एक स्टिचिंग रिमूव करके उसको लूज़ कर सकता है। ट्रेंड साइड भी सेम ऐसा ही करना है। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट मानी, और जो चेस्ट के कुटके रहते हैं मार्किंग, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, आगे पीछे मत करिएगा। ये देखिए, ये हो गया, मशीन प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है। ये देखिए हो गया, आप अगेन सेम वैसे स्टिचिंग डालनी है। ये देखिए, इस तरह से थर्ड स्टिच कर लेना है। चलिए अब मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ किस तरह का ब्लाउज़ तैयार हुआ है। ये देखिए, ये तैयार हो गया ब्लाउज़। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, मैंने उस ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग और फिर उसको स्टिचिंग करके तैयार करा, और आई होप कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और टेलरिंग में कुछ और सीखना चाहते हैं जैसे कि डिज़ाइन ब्लाउज़ या लेडीज़ सूट वगैरह, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।